हवलदार बहादुर। गंजा उसे मकान के भीतर ले आया। ये तीनों वही हैं। ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और जब मरना ही है तो मैं भी लड़कर मरूंगा। ये किसे पकड़ लाए तुम? ये मकान के बाहर चक्कर लगा रहा था उधम सिंह, शायद पुलिस का आदमी है। क्यों बे, कौन है तू? मैं हवलदार बहादुर सिंह हूँ। हवलदार? लेकिन सूरत से तो तू चिड़ी मार लगता है। खैर ये बता, यहाँ तक कैसे पहुँचा? मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। जब तुम बैंक में डाका डालकर भागे थे, तभी से मैं तुम तीनों का पीछा कर रहा था। बहादुर सिंह ने बिना सोचे समझे ही मूर्खतापूर्ण झूठ बोल डाला। उधम सिंह ने मोटे की ओर देखा। कमाल हो गया यार, हम तो समझ रहे थे कि हमने पुलिस को धोखा दे दिया है, लेकिन ये पायजामा छाप हवलदार तो हमारा भी बाप निकला। क्यों बे, तू अकेला ही यहाँ तक आया है? मैं तो घर से मरने के लिए ही निकला हूँ। अगर ये मुझे नहीं मारेंगे तो मैं आत्महत्या करके मरूंगा। अतः बेहतर यही है कि इनके हाथों शहीद हो जाऊं। उस सूरत में कम से कम आत्महत्या का पाप तो नहीं लगेगा। गुस्सा दिलाता हूँ इनको, ताकि मुझे तुरंत गोली मार दें। कमाल है, तुम तीनों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। अबे पिद्दे, बकवास करता है। लेकिन बहादुर सिंह ने भी कमाल की बहादुरी दिखाई, शायद इसलिए कि वह मरना चाहता था। मुंह तोड़ दूंगा तेरा। तभी आई गोली मार दूं इसे। अभी नहीं, शायद इसके साथ और कोई भी आया हो। पहले तुम बाहर जाकर चेक करो। गंजा फिर से बाहर चला गया। तुम इसे उठाकर ऊपर वाले कमरे में डालाओ और बाहर से दरवाजा बंद कर देना। मोटे ने बहादुर सिंह को उठाकर कंधे पर डाला। अचानक ही बहादुर सिंह को होश आ गया था, शायद सिर पर चोट हल्की ही लगी थी। पिस्तौल। अगले ही क्षण मोटे ने घबरा कर उसे गिरा दिया। नीचे गिरते ही कुछ देर बाद गंजा बाहर गया होगा, भीतर से दरवाजा बंद कर लेता हूँ। तभी बाहर से गंजे ने दरवाजा पीटा। उधम सिंह, मोटे, दरवाजा खोलो, गोलियां क्यों चला रहे हो? गंजे के पास भी पिस्तौल है, वह मुझे खिड़की से गोली मार सकता है। ऊपर चलता हूँ। ऊपर भी एक कमरा था। खिड़की से गंजे को देखता हूँ, दरवाजा तोड़ रहा है, गोली मार देता हूँ कमबख्त को। बहादुर सिंह गोली चलाने के लिए खिड़की पर कुछ ज्यादा ही झुक गया था, परिणाम स्वरूप वह खिड़की से बाहर लुढ़क गया और सीधा नीचे खड़े हुए गंजे पर जाकर गिरा। आह! दोनों ही बेहोश हो गए थे। और जब बहादुर सिंह को होश आया, मैं कहाँ हूँ? तुम बिल्कुल सुरक्षित हो बहादुर सिंह, डाकुओं से अकेले ही भिड़कर तुमने कमाल कर दिया। पुलिस को देखते ही बहादुर सिंह अकड़ गया था। इंस्पेक्टर खडक सिंह उसके निकट आया। मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया था, लेकिन हमारे आने से पहले ही। हाँ, आपके आने से पहले ही मैंने डाकुओं को ठिकाने लगा दिया। गंजे को भी होश आ गया था। परिस्थितियों को समझने के बाद उसने बताया, आपका यह आदमी बहुत खतरनाक है इंस्पेक्टर साहब। ये अकेला यहाँ आया, इसने उधम सिंह के मुंह पर घुसा मारा, बाद में उसे गोली मार दी और मोटे को भी मार डाला, और मुझे। ये सब तुमने कैसे किया बहादुर सिंह? ये तो बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया है जनाब। खुद मरने के चक्कर में मैं इनको मार बैठा हूँ। सब कुछ अचानक ही हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊँ? सर, बात यह है कि मैंने सोचा तीन डाकुओं को पकड़ने के लिए पूरी पुलिस फोर्स को परेशान करने की क्या जरूरत है, इसलिए मैंने अकेले ही इनका काम तमाम कर दिया। वैसे ऐसा करने के लिए बहुत अक्ल, हिम्मत और ताकत की जरूरत होती है, ये बात तो आप जानते ही हैं।
ये कहते हुए बहादुर सिंह ने इंस्पेक्टर की ओर गर्दन अकड़ा कर देखा। हाँ, मैं जानता हूँ, आज मुझे पता चला कि तुम सिर्फ नाम के ही नहीं काम के भी बहादुर हो। आज से मैं तुम्हें हवलदार बहादुर कहा करूंगा। इसे कहते हैं खुदा मेहरबान तो गदा पहलवान।